नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर वन शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आप इस वक्त जो मेरे चारों तरफ बढ़ता हुआ जलस्तर देख रहे हैं, इसने महाराष्ट्र में कोहराम मचा रखा है। शहरों में बारिश के बाद तबाही मची हुई है। कई इलाकों में बारिश जानलेवा हो गई है। पानी के बीच जिंदगियां फंसी हुई हैं। करीब 80 लाख लोग इस वक्त महाराष्ट्र में बाढ़ की चपेट में हैं। रायगढ़ में भूस्खलन ने 36 लोगों की जान ले ली और अभी भी वहां जिंदगी बचाने की जद्दोजहद लगातार जारी है। एनडीआरएफ से लेकर सेना तक रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। आपको बताएंगे पूरी खबर विस्तार से, लेकिन शंखनाद की शुरुआत उन तस्वीरों के साथ जो महाराष्ट्र में बारिश से मची तबाही की पूरी कहानी को बयां कर रही है। नदियों में उफान, मुश्किल में जान, डूब गए मकान, डूब गई गाड़ियां, बह गए इंसान, कुदरत का कोहराम, महाराष्ट्र में पानी से संग्राम। ये बारिश नहीं तबाही है। नदियों से घरों में घुस चुका पानी आफत की गवाही है। महाराष्ट्र के 6 जिले त्राहिमाम कर रहे हैं। कहीं घर तरक रहे हैं, कहीं मौत बरस रही है। अपनों को बचाने की जंग है। जिंदगी पानी देखकर तंग है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में सफर कितना जानलेवा है, उसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। नदियां सब कुछ बाहर ले जाने पर आमादा है। युवक की इस नादानी ने जिंदगी को खतरे में डाल दिया। युवक ने एक दो बार संभलने की कोशिश की, लेकिन लहरों का उफान इतना तेज था कि वो संभल नहीं पाया और पानी में बह गया। शुक्र है वहां मौजूद कुछ लोगों ने उसे बचा लिया, लेकिन हर किसी की किस्मत एक सी नहीं होती। कोल्हापुर जिले के चंदगढ़ तहसील के कलगड़ी खुर्द की यह तस्वीर यही बताती है। बाइक सवार युवक को पानी भरा रास्ता पार करना भारी पड़ गया। पानी की तेज धार में युवक बह गया। पूरा कोल्हापुर इस वक्त टापू बना हुआ है। ये नदी नहीं बल्कि हाईवे है, जहां लोगों की जिंदगी बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रात करीब 3 बजे कर्नाटक राज्य परिवहन निगम की बस बाढ़ के पानी में फंस गई। बस पर 25 लोग सवार थे। उन्हें बचाने के लिए बोट के साथ एनडीआरएफ के जवानों को आना पड़ा। कोल्हापुर में पिछले 2 दिनों में मूसलाधार बारिश हुई है। इतनी बारिश की पंचगंगा नदी का जलस्तर करीब 45 फीट 7 इंच तक पहुंच गया है। मुंबई से सटे ठाणे का हाल भी देख लीजिए। मूसलाधार बारिश की वजह से भिवंडी इलाका पानी पानी हो गया है। लोगों के घरों में पानी घुस गया। घरों से लोगों को बचाने के लिए आपदा मोचन बल को लगाना पड़ा। मूसलाधार बारिश की वजह से नागपुर में भी त्राहिमाम है। आसमान से बादल बरसे तो नागपुर की हिंगना नदी में उफान आ गया। बाढ़ के पानी में फंसे एक शख्स को एनडीआरएफ की टीम ने बड़ी मुश्किल से बचा लिया। भारी बारिश से शहर के दक्षिण और पश्चिम हिस्से को जोड़ने वाला सबवे पानी से लबालब हो गया है। नागपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र सावनेर में मूसलाधार बारिश की वजह से कोलार नदी में जलस्तर बढ़ गया है। मंदिर और घाट पानी पानी हो गए। रायगढ़ के केम्बुरली इलाके की तस्वीर भी देख लीजिए। झरनों से पहाड़ कांप रहे हैं। शहर में कारें तैर रही हैं। दूर दूर तक पानी के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा। महाड़ रायगढ़ में बाढ़ में फंसे लोगों तक पहुंचने के लिए कोस्ट गार्ड के जवान हेलीकॉप्टर की मदद भी ले रहे हैं। कोस्ट गार्ड के जवान बाढ़ में फंसे लोगों तक जरूरी सामान भी पहुंचा रहे हैं। अमरावती में नदियों ने हुंकार भरी तो जिंदगी दांव पर लगाने वाले लापरवाह भी पहुंच गए। नदी पुल के ऊपर से बह रही है और इस तूफानी पानी के बीच से एक ट्रैक्टर ट्रॉली गुजर रही है। इस ट्रैक्टर ट्रॉली पर कई लोग सवार हैं। किस्मत अच्छी थी, लेकिन नदियों की इरादे ठीक नहीं है। पुणे की ये तस्वीरें भी किसी का भी दिल बैठा देगी। शहर के बीच से गुजरने वाली मूथा नदी का लेवल इतना बढ़ चुका है कि अब ये अंदेशे पैदा कर रही है।
शहर के डरे सहमे लोग नदी में लगातार बढ़ रहे पानी के स्तर को देख रहे हैं। खड़कवासला डैम से पानी छोड़ने से शहर की मूथा नदी में ये बाढ़ आई है। कुछ हादसे भी हुए हैं जिसकी गवाही ये कार दे रही है। सतारा में महाराष्ट्र को बिजली देने वाले सतारा जिले का कोयना बांध भर गया है। यहाँ से हर सेकंड 11,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इलाके में बारिश का हाल ये है कि बीते 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। महाराष्ट्र का बुरा हाल है। आसमान से आफत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, वहीं जिंदगी और बारिश के बीच एक जंग जारी है। आज तक ब्यूरो। स्थिति कैसी बनी हुई है इन तस्वीरों के जरिए आपको समझाते हैं। दरअसल देखिए, मेरे आसपास बिल्कुल सामान्य जीवन आप देख रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है कुछ ही पलों में वो तस्वीर सामने आएगी। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बुरा हाल रत्नागिरी के चिपलून में नजर आया, जहां पानी ने पूरी की पूरे शहर को टापू में तब्दील कर दिया है। लोग घरों के भीतर फंस गए। आज तक की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर चिपलून के हालातों को जानने की कोशिश की है। देखिए संवाददाता पंकज खेलकर की यह रिपोर्ट। शहर बना तालाब, सड़कों पर सैलाब, घरों में पानी की घुसपैठ, पलायन करते लोग, डूब गई कार, जिंदगी हुई बेहाल। तबाही की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के रत्नागिरी के चिपलून की है, जहां दूर दूर तक पानी के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा। घरों में पानी घुसा तो लोगों को जान बचाने के लिए पलायन करना पड़ा। जिन सड़कों पर कारें सर पर दौड़ती थी वो डूब चुकी हैं। एक दो नहीं बल्कि यहाँ गाड़ियों की कतार है जो कि पूरी तरह से लाचार है। न दरवाजों का पता, न टायर, न बोनट, सिर्फ गाड़ियों की छत नजर आ रही है, जो कि तबाही की पूरी कहानी बता रही है। ये पहली बार हुआ 2005 साल में, पहला महापुर आया था, लेकिन ये इससे बड़ा था। स्थानिक लोग है, कहना उनका है कि 2005 में इस तरह की बारिश हुई थी, अब तक ऐसी बारिश नहीं देखी। भले ही जल स्तर कम हो रहा है लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा हो गया है, उससे उबरने के लिए काफी समय लग जाएगा। आशियानों का हाल भी देखिए, ग्राउंड फ्लोर तो पूरी तरह डूब गया है। बेडरूम हो या ड्राइंग रूम, किचन हो या बाथरूम, सब कुछ पानी पानी हो चुका है। लोगों ने तबाही की ऐसी तस्वीर पहले कभी नहीं देखी। पहले से अलर्ट ने दिया होता ना कि ऐसा था पानी छोड़ेगा तो कुछ न कुछ बाजार पहले कुछ न कुछ कर सकते थे, कुछ नहीं, एक जीरो इन्फॉर्मेशन में दिया नहीं था। एक फुट पानी रोड पे था तो हम लोग समझे कि ज्यादा था एक दो फुट और हो जाएगा, लेकिन सडनली बढ़ना चालू हो गया तो हम लोग अपना सब कैसा भी सटन। कितना बढ़ गया पानी? बढ़ गया कम से कम 12-13 मतलब फुट तक बढ़ गया। सड़कों का बुरा हाल है, यातायात पूरी तरह से ठप है, रेलवे से लेकर बस अड्डा तक सब पानी पानी हो गया। कहीं लहरें पहली मंजिल को छू रही हैं, तो कहीं कमर तक पानी भरा हुआ है। 10 से 15 फीट तक पानी अलग अलग इलाकों में देखा गया है। करीब 24 घंटे की तबाही अब अपने पीछे निशान छोड़ गई, जिसमें दर्द है, आंसू है, बर्बादी है, गम है। टाइम को पानी छोड़ते हैं ना तो कुछ पहले इंफॉर्मेशन करना चाहिए। अगर लोगों को अलर्ट किया होता ना तो लोगों ने कुछ तो कुछ ना अपने आप कुछ कर देते थे, लेकिन अभी एक हालत देखो क्या हो गई है। ये हमारी फोर व्हीलर गाड़ी भी गई है और मेरे नज़दीक जो रहने वाले थे वो माले फिर रहते थे, वो ऊपर पानी आ गया, वो ऊपर कर रहे थे, कमरे तक पानी था। कुछ समझ में नहीं आता, सब सोए हुए थे, कुछ समझ में नहीं आता, कभी पानी का स्पीड इतना बड़ा, कुछ समझ में नहीं आया। बेकार हुई इधर लोगों की, बहुत बोले तो बहुत बहुत परेशान, इतनी परेशानी ना कोई भी नहीं बचाने को आ गया, इतनी हालत बेकार हुई। हालात बेकाबू हुए तो रेस्क्यू टीम एक्टिव हुई। 2 हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को निकालने का काम हुआ। इसके साथ ही नेवी की 7 रेस्क्यू टीमें और NDRF की 2 टीमों को भी लोगों को मदद मुहैया करवाने के लिए लगाया गया है।
पंकज खेलकर, चिपलून आज तक। महाराष्ट्र के चिपलून में पानी कहर बनकर बरपा है। 6 जिले बाढ़ की चपेट में हैं, वहीं 80 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए जरा आसपास कुछ आंकड़े दिखाते हैं और इसके जरिए बताते हैं कि शहर के अंदर पानी कितनी बड़ी तबाही लेकर आया है, किस इलाके में कितना भारी पानी भरा हुआ है। चिपलून में आप देख पा रहे हैं, चिपलून में 10 से 15 फीट तक पानी पहुंच चुका है, ये चिपलून का आंकड़ा है। वहीं रायगढ़ की बात करें, 8 से 10 फीट तक पानी भरने की खबर यहां से रायगढ़ से सामने आई है, जबकि इसके अलावा बदलापुर में भी 5 से 8 फीट तक पानी भरने की तस्वीरें निकलकर सामने आई है। जबकि कोल्हापुर अगर आपको लेकर चले तो वहां पर कई ऐसे इलाके हैं जहां पर करीब 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चला है। चिपलून के अलग अलग इलाकों में करीब 10 से लेकर 15 फीट तक पानी भरने की खबरें और वो तस्वीरें सामने आई हैं, जिसने आम आदमी को वहां पर परेशान कर दिया है। इतना पानी किसी शहर में कितनी मुश्किलें ला सकता है, उसे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एक कार की औसतन ऊंचाई करीब 5 से 6 फीट तक होती है, ऐसे में कई इलाकों में कारों की आपको सिर्फ छत ही नजर आएगी। एक बस की ऊंचाई करीब 10 फीट से ज्यादा होती है, ऐसे में कई इलाकों में बस बहने बहती हुई चली गई। ये देखिए, यहां पर आपको हम दिखा रहे हैं कि चिपलून में जलभराव से किस तरह के हालात पैदा हो गए। कार 5 से 6 फीट यानी कि पूरी तरह से पानी में डूब गई, बस 10 से 12 फीट सिर्फ छत दिखाई दे रही है, घर की छत 11 से 13 फीट यानी घरों के दरवाजों तक पानी में डूब चुके हैं, कई जगहों पर पानी छतों को भी छूने लगा है। यही कारण है कि लोगों को रेस्क्यू करके वहां से जल्द बाहर निकालने की कोशिशें जारी हैं। महाराष्ट्र में बारिश मौत बनकर बरसी है। अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आई उसमें रायगढ़ भी महत्वपूर्ण है। पहाड़ दरकने की घटनाओं में 36 लोगों की मौत की खबर है। यहां एक जगह से 32 शव बरामद किए गए हैं, 4 शव साखर सुतवाड़ी गांव से मिले हैं। 32 लोगों को तलाई से बरामद किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक मलबे से 30 से 35 लोग वहां पर और फंसे हो सकते हैं, जिनका रेस्क्यू चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी, महाराष्ट्र में हुई इस मौत पर उन्होंने दुख प्रकट किया है, दुख जाहिर किया है। वहीं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हालात का जायजा लिया है। महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों की ये तस्वीरें जो अपने आप में परेशानी का सबब बनी हुई हैं, उस राज्य के लिए मुख्यमंत्री भरोसा दे रहे हैं कि हालात पर जल्द से जल्द काबू कर लिया जाएगा। लेकिन प्रकृति का ये प्रकोप आम आदमी को बेबस कर चुका है और उसी की ये तस्वीरें जहां पर पानी में जिंदगी फंसी हुई है। और आगे बढ़ते हुए इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको देते हैं, गंदी फिल्मों को लेकर राजकुंद्रा पर कसे शिकंजे की बात, जिसे लेकर जानकारी सामने आ रही है। पोर्नोग्राफी को लेकर अब जांच राजकुंद्रा की पत्नी शिल्पा शेट्टी तक पहुंच चुकी है, जिनसे क्राइम ब्रांच की टीम पूछताछ कर रही है। क्राइम ब्रांच की टीम आज राजकुंद्रा को साथ लेकर शिल्पा के घर पहुंची थी, जहां वो भी पूछताछ के दौरान मौजूद है। सूत्रों की माने तो पुलिस ने शिल्पा शेट्टी से पोर्नोग्राफी की जानकारी होने की बात पूछी है। करीब 3 घंटे से ये पूछताछ चल रही है। सवाल किया गया है कि आपको पॉर्न रैकेट की जानकारी थी। अश्लील फिल्म मामले को लेकर शिल्पा शेट्टी भी सवालों के घेरे में है, उनसे पूछताछ की जा रही है। जानकारी ये भी सामने आई है कि कई जगहों पर दफ्तर से डेटा ही डिलीट कर दिए गए। सौरभ वक्तानी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, 3 घंटे से ज्यादा समय से पूछताछ शिल्पा शेट्टी राजकुंद्रा दोनों से हुई, आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ की गई है, पूछा गया है, बताइए क्या आपको राजकुंद्रा के इस खेल के बारे में जानकारी थी, क्या जवाब मिला है, अभी क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है? चित्रा, अभी भी पूछताछ लगातार चल रही है, पूछताछ खत्म नहीं हुई और ये और लंबे समय तक चलेगी, इसलिए क्योंकि ये जो वियान ग्रुप ऑफ कंपनी है ये सबसे ज्यादा क्वेश्चनेबल है, क्योंकि यहाँ पर ही सारी जो पॉर्न मूवीज है इसके थ्रू बनती थी और यहाँ पर शिल्पा शेट्टी डायरेक्टर थी। सबसे बड़ा सवाल उनसे यही पूछा जा रहा है कि राजकुंद्रा 2019 अगस्त से इस पूरे पोर्नोग्राफी रैकेट को चला रहे थे, जो कंपनी इसको चला रही थी उसकी आप डायरेक्टर रह चुकी है, तो क्या आपको पता था कि ये पूरा पोर्नोग्राफी रैकेट चल रहा है, आप उस कंपनी की डायरेक्टर है। दूसरी सबसे अहम बात मैं आपको बता दूं चित्रा, ये सवाल पूछा जा रहा है क्योंकि राजकुंद्रा को 21 जुलाई को अरेस्ट किया था वियान ग्रुप ऑफ कंपनी, जिसकी ऑफिस अंधेरी वेस्ट में है, उनके अरेस्ट के एक दिन बाद काफी ज्यादा डेटा डिलीट किया गया है।
तो क्राइम ब्रांच अब ये पूछ रही है, ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि उस डेटा को किसने डिलीट किया, क्या राज कुंद्रा को कहीं ना कहीं एविडेंस को डिस्ट्रॉय करके उनको बचाने की कोशिश की जा रही थी, और दूसरा सबसे अहम सवाल, क्या इस रैकेट से जो मुनाफा होता था, क्या वो मुनाफा शिल्पा शेट्टी के अकाउंट में जाता था, ये भी जो है डिटेल्स क्राइम ब्रांच खंगाल रही है। तो फिलहाल अभी भी क्राइम ब्रांच की टीम इन दोनों के झूस स्थित घर पर मौजूद है और लगातार पूछताछ जारी है। हमारे साथ बने रहिए, एक और जानकारी जल्दी से अपने दर्शकों को हम दे देते हैं। मामले से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर इस वक्त ये है, आपको बता दें एक तरफ शिल्पा शेट्टी से पूछताछ जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले राज कुंद्रा के ऑफिस से जो सर्वर क्राइम ब्रांच ने जब्त किया है उसके डेटा उड़ाने की खबर सामने आ रही है। क्राइम ब्रांच की टीम पता लगा रही है कि कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद ये डेटा आखिर किसने डिलीट किया है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट मामले को रिकवर करने में उस पूरे के पूरे डाटा को लगे हुए हैं। वहीं सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। इसके अलावा जांच में सट्टेबाजी का मामला भी सामने आया है, जहां सट्टेबाजी करने वाली मर्क्यूरी इंटरनेशनल कंपनी से पैसा राज कुंद्रा के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है। सौरभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, अब ये नया मामला भी इस पूरे मामले से जुड़ता हुआ। बिल्कुल, जिस तरीके से चित्रा, जब क्राइम ब्रांच ने वियान ग्रुप ऑफ कंपनी की ऑफिस में सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया, आपको मैं बता दूं 1-2 GB का डेटा रिकवर नहीं किया, 20 TB से ज्यादा का डेटा रिकवर किया, और 1-2 TB जो डेटा था वो डिलीट हो चुका था। यानी कि जिस रात को राज कुंद्रा की गिरफ्तारी हुई उसके अगले दिन कोई इस कंपनी में जाता है और सारा का सारा एविडेंस डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। दूसरी सबसे अहम जानकारी क्राइम ब्रांच हमें दे रही है कि ये जो इससे मुनाफा हो रहा था पोर्नोग्राफी रैकेट से, क्या वो पैसा क्रिकेट बैटिंग में इस्तेमाल कर रहे थे राज कुंद्रा, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि एक मर्क्यूरी इंटरनेशनल नामक एक क्रिकेट बैटिंग कंपनी है, वो कंपनी काफी ज्यादा जो मुनाफा है, जो प्रॉफिट का पैसा है, वो राज कुंद्रा के अकाउंट में दिखाई दे रहा है। अब उनसे लगातार ये भी पूछताछ की जा रही है कि इतने जो पैसे आपको क्रिकेट बैटिंग से आ रहे थे वो कहां से पैसे आ रहे थे और कहां से आप ये मुनाफा दे रहे थे। तो बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब लेना अभी बाकी है। बहुत शुक्रिया सौरभ इस पूरी जानकारी के लिए। तो शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई है, 3 घंटे से पूछताछ लगातार जारी है। आगे क्या होगा इस पूरे मामले में, इस पर रहेगी आज तक की नजर। आगे बढ़ते हुए लेकर चलते हैं पंजाब, जहां कांग्रेस के लिए आज राहत देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जिसका कांग्रेस को काफी दिनों से इंतजार था। सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस की कमान संभाली तो अमरिंदर का आशीर्वाद भी मिला। 126 दिन के बाद अमरिंदर सिंह और सिद्धू एक साथ दिखे, इसके साथ ही संकेत मिल गया है कि अब पंजाब के कैप्टन सिद्धू हैं। कैप्टन को गुरु कबूल है। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस की कमान संभाली तो अमरिंदर सिंह भी मंच पर आ गए। बधाई दी, सिद्धू से पुराने रिश्तों की दुहाई दी, पिता से दोस्ती की बात की, खुद को पिता तुल्य बताया और फिर बधाई भी दी। कानून रल के लड़नी पऊ, नवजोत सुनो ऐसे ले रही ला। पहला तो मैं इन्हें मेरा दसता, मैं इन्हों का रिश्ता की है, रिश्ता इन्हों का यह है कि 1963 के जन्म होया और 1963 मेरा IMA तो कमीशन होया और मैं चीन के बॉर्डर पर पहुंचा सी, इन्ना फर्क है साडा। और फिर इन्होंने पिता जी और मेरे माता जी कट्ठे रहे। पंजाब कांग्रेस की कमान संभालते ही सिद्धू फॉर्म में आ गए। माइक थामा तो सिद्धू ने किसान से लेकर जनता से जुड़े तमाम मुद्दों पर हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एकजुट है, मेरा कोई ईगो नहीं है, विपक्ष कहीं भी नहीं टिकेगा, विरोधियों का बिस्तर गोल कर दूंगा। देखो केड़ा विरोधी कहंदे सी, आज कांग्रेस एक मुठ है, एक जुट है, एक मुठ है, एक जुट है, तो समुंदर है कार्यकर्ता, समुंदर है वर्कर, जिस सामने अस्तित्व खोना है, जिस तरह अणु दे बिना परमाणु नहीं बन सकता, अणु दे बिना परमाणु नहीं बन सकता,
व्यक्ति तो बिना समाज नहीं बन सकता। उस तरह कोई भी पार्टी कार्यकर्ता वर्कर के सहयोग में बिना नहीं बन सकती। आज 126 दिन बाद सिद्धू और अमरिंदर का आमना सामना हुआ। पहले चाय पार्टी में मिले और फिर कांग्रेस दफ्तर में भी साथ साथ देखे गए, मंच पर साथ साथ बैठे। अब बड़ा सवाल है कि पंजाब के दो दिग्गज कांग्रेस नेताओं की मुलाकात तो हो गई, लेकिन क्या दिल भी मिले? सतेंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। आगे भी पंजाब कांग्रेस का एकजुट रहेगी, चुनाव में किस तरह से जाती है इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। शंखनाद में एक ब्रेक लेंगे, जब वापस लौटेंगे तो आगे आपको दिखाएंगे हमारी खास पेशकश पंडित जी प्रणाम। देखते रहिए आज।